हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमलता सैनी मेरे चैनल इंडियन फूड भारतीय खाना में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं सूजी का चीला। ये चीला आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं और नाश्ते में बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसको बनाना तो बहुत आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। सूजी का चीला बनाने के लिए मैंने एक कटोरी सूजी ली है। इसको मैंने थोड़ा थोड़ा पीस लिया है। इसको मिक्सी में डालकर 4 चम्मच मैंने बेसन लिया है, 1 टमाटर इसको मैंने बारीक काट लिया है, 1 प्याज इसको बारीक काट लिया है, 1 कटोरी दही की, रिफाइंड तेल, 1 शिमला मिर्च लिया है मैंने इसको बारीक काट लिया है, नमक, खाने वाला सोडा, काली मिर्च। आप काली मिर्च की जगह लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। अब सबसे पहले एक बाउल लेंगे, इसमें सूजी को डाल देंगे, बेसन लिया था उसको डाल देंगे, इसको मिला लेंगे। दही को डाल देंगे, चुटकी भर में मीठा थोड़ा डाल के इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। दही से चीले का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। हमको ज्यादा पतला भी नहीं करना है और टाइट भी नहीं करना है इस घोल को। पानी में थोड़ा थोड़ा डालेंगे। बैटर में एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से फैट लेंगे हम इसको। तो 10 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख देंगे इसको ताकि फूल के सेट हो जाए अच्छे से। 10 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा टाइट हो गया, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये थोड़ा फूल के इसमें प्याज कटे हुए डालूंगी, टमाटर, हरी मिर्च, काली मिर्च, 1 चम्मच नमक की डाल रही हूँ। अपने टेस्ट के अनुसार ज्यादा कम कर सकते हैं आप। अब इनको अच्छे से मिला लेंगे। सही हो गया बैटर। चीला बनाने के लिए हम एक तवा लेते हैं, तो इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। गर्म हो चुका है, अब थोड़ा सा तेल चम्मच से इसमें डालेंगे। एक बड़ी चम्मच से इसमें बैटर से डालेंगे देंगे। हमको जितनी साइज बनानी है उतना फैला देंगे। अब थोड़ा पकने देंगे, 1-2 मिनट इसको ऐसे ही पकने देंगे। ये थोड़ा टाइट ड्राई होने लग गए, थोड़ा थोड़ा सिक गए। थोड़ा थोड़ा तेल हम ऊपर से डाल देंगे। अब इसको पलट देंगे।
अब इधर से भी अच्छे से सेक लेंगे हम इसको, थोड़ा तेल भी इसके ऊपर लगा देंगे। गैस को थोड़ा मीडियम कर देंगे। अब दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे इसको। हमारा चिल्ला सीख गया, अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। ऐसे दोबारा से बैटर डालेंगे इसे। थोड़ा तेल इसके ऊपर डाल देंगे। ये थोड़ा सीख जाएगा तब हम इसको पलट देंगे। तो मैंने पलट दिया है, अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। अच्छे से दबा दबा के इसको सेक लेंगे। हमारा ये चिल्ला भी सिक चुका है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब बाकी के भी ऐसे ही बना ले। सूजी के चिल्ले तैयार हैं, आप इनको बनाकर जरूर देखें, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इसको चटनी के साथ, सॉस के साथ खा सकते हैं।